हम मजबूरी में अपने जंगल से निकले थे। उस गद्दार ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया, हमारी मजबूरी बन गई थी अपना घर, अपना जंगल और अपना परिवार छोड़ने की। नहीं तो अपना सब कुछ छोड़कर क्यों जाएगा कोई सरहदों पर जान गंवाने। यहाँ आने की सलाह इन तीनों को मैंने ही दी थी, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? कुछ सफाई देना चाहोगे? ये कहानी शुरू हुई थी आज से 6 महीने पहले, जब मैं पूरे 10 साल बाद अपने जंगल बागेश्वर लौटा था। बचपन में जो कभी मेरे साथ खेला करते थे, आज वो तीनों जवान होकर अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। ये है लल्लन, जिसने अपनी मेहनत के दम पर बागेश्वर जंगल में अस्पताल खोला हुआ है, और ये है गोपी, इसका ये स्कूल बागेश्वर के आने वाला सुनहरा कल होगा, और ये है सीमा, जो हमारे बचपन की सबसे शरारती बच्ची थी। लगता नहीं था कि ये कुछ ऐसा भी करेगी। इसने बागेश्वर में अपना एक अनाथ आश्रम खोला हुआ है, और सच बोलूं, ये तीनों ही हमारे जंगल के रखवाले और रक्षक है। हम सब मिलकर बागेश्वर को उन्नति की ओर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा मोड़ आया। बागेश्वर जंगल का राजा राघव अपनी मजबूरियों को लेकर आसपास के जंगलों में सबसे अमीर जंगल के राजा सुल्तान के पास पहुंचता है। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं, और यकीन है तुम मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगे। बोलो क्या चाहते हो तुम? मेरा बेटा पिछले 1 महीने से एक बड़ी बीमारी झेल रहा है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हारे ये पैसे जल्द ही वापस लौटा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें किस बलबूते पर इतनी बड़ी रकम दूं? वैसे तो मैं आने वाले समय में तुम्हें ये पैसे जरूर लौटा दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी वजह से ना दे पाया तो मेरे जंगल में चलने वाले अस्पताल, आश्रम और स्कूल तुम्हारे होंगे। और इस शर्त पर सुल्तान राघव को 5 लाख की रकम दे देता है। लेकिन अगले ही दिन हीरा के पास भागता हुआ गोपी आता है। वो अब यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो बागेश्वर जंगल को जला देंगे। हीरा, वो एक बड़ी सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। गोपी, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? आखिर क्या हुआ? कल यहाँ के राजा राघव ने अपनी झूठी कहानियाँ सुनाकर सुल्तान शाह से 50 लाख रुपए लिए, और सुबह ही वो उस रकम को लेकर यहाँ से फरार हो चुका है। और खतरे की बात यह है कि ये बात सुल्तान शाह को पता चल चुकी है, और वो अपने सिपाहियों के साथ यहीं आने वाले हैं। अपनी मेहनत की बुनियादों पर खड़ा ये जंगल हमें हर हाल में बचाना है। गोपी, चलो मेरे साथ। तब हीरा और गोपी जंगल में आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ यहीं तक आ गया था। यहाँ का राजा राघव मुझसे 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। आज से ये बागेश्वर जंगल हमारा है। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, अपना अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। तब हीरा आगे बढ़कर कहता है, देखो सुल्तान शाह, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन जैसे तुम्हारे साथ धोखा हुआ, अगर हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो ये हमारे लिए भी धोखा है। इसीलिए हमने फैसला किया है, हमें 6 महीने का समय चाहिए। हम तुम्हारे 50 लाख रुपए हर हाल में अदा कर देंगे। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, 6 महीने बाद मैं तुमसे ही अपनी रकम वसूलूंगा। चलो सिपाहियों। ये कहकर सुल्तान अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। 5 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है हीरा, हम ये रकम कैसे चुका पाएंगे? मुझे 1 दिन का समय दो, मैं तुम्हें कल सोचकर बताऊंगा। ये कहकर हीरा अपनी गुफा पर चला जाता है। हीरा बहुत परेशान था, तभी उसके पास चील एक खत लेकर आती है। उसे पढ़कर हीरा तेजी से भागता हुआ अपने तीनों दोस्तों के पास जाता है। भाइयों, पता चल चुका है उस गद्दार राघव का, वे 50 लाख रुपए लेकर विदेश भाग गया है। ये खबर मुझे वहाँ रहने वाले मेरे दोस्त शेरा ने दी है। हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना होगा। नहीं भाई, उस देश में जाने की किसी और दूसरे जानवर को अनुमति नहीं है। वहाँ सरहदों पर चारों ओर सिपाही तैनात है। एक रास्ता है भाइयों वहाँ तक पहुँचने का, हम सीधे रास्ते से नहीं बल्कि खुफिया नदी से होकर अंदर घुसेंगे, लेकिन वहाँ भी हमें आंखें खुली रखनी होगी। और फिर पूरा प्लान तय करके वो उस खुफिया नदी में अपनी कश्ती उतार देते हैं, और इस नदी से वो लगातार 4 दिन का सफर तय करते हैं और सरहद तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक सिपाही को उनकी भनक पड़ जाती है और वो उनकी ओर बम ब्लास्ट कर देता है। हीरा तुरंत अपनी कश्ती की रफ्तार बढ़ा लेता है और वो वहाँ से बच निकलते हैं। और हीरा अपने दोस्त शेरा के घर आकर रुकता है। दोस्त,
तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? हम पर हमला किया गया है, लेकिन वो हमें पहचान नहीं सकते क्योंकि वे हमें देख नहीं पाए। और सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सिर्फ घर से बाहर मैं निकलूंगा, वो भी बहुत छिपते छिपाते। अगर हम एक साथ रहेंगे तो किसी को हम पर शक हो सकता है। ठीक है हीरा दोस्त, हम समझ गए। तुम जंगल में निकलकर उस राघव को ढूंढो। अगले दिन हीरा चुपके से जंगल में निकलता है, तभी उसकी नजर यहाँ के महाराज ठाकुर पर पड़ती है, जिसके पास वही गद्दार राघव खड़ा था। तब हीरा उनकी बातें सुनता है। किसी से उधार मांगना मेरी शान के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है ठाकुर साहब कि मैं यहाँ तक चला आया। मैं पास के जंगल में रहने वाला एक साधारण सा शेर हूँ, लेकिन कल से मेरी पत्नी और बेटे को एक शिकारी ने अगवा कर लिया। वो मुझसे 70 लाख की रकम मांग रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर मैंने उन तक वो ना पहुँचाए तो वो मेरे परिवार को मार देंगे। राघव, अभी तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, लेकिन तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो ये लुटेरा यहाँ भी लूट मारने की कोशिश कर रहा है, अब ये मेरे बिछाए जाल से नहीं बच पाएगा। तब हीरा चुपके से वहाँ से निकलकर अपने दोस्त शेरा के घर आ पहुँचता है। क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? सब पता चल चुका है, अचानक वो मुझे ऐसे दिख जाएगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। वे यहाँ के राजा ठाकुर से 70 लाख की रकम मांग रहा है और ऐसे ड्रामा करता हुआ बिल्कुल मजलूम लग रहा था। तो अब हमें क्या करना है भाइयों? ये जो लुटेरे होते हैं ये जान से चले जाएंगे, लेकिन जुबान नहीं खोलेंगे। राघव कभी नहीं बताएगा कि उसने वे 70 लाख की रकम कहाँ रखी है। इसलिए मेरे दिमाग में एक प्लान है, राघव ठाकुर से कल वो 70 लाख वसूल लेगा। इसीलिए मैं भविष्यवाणी बताने वाले का रूप धारण करके ठाकुर के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हारे आने वाला कल देख सकता हूं। और जो मैं उसे बताऊंगा वो उसके साथ होगा भी, इसीलिए वो मेरी बात पर यकीन करेगा और उसके बदले मैं उससे बड़ी रकम लूंगा। तब हीरा अपना हुलिया एक भविष्यवाणी बताने वालों जैसा बना लेता है और ठाकुर की गुफा के आसपास चलता हुआ बोलता है, बर्बाद हो जाओगे, ठाकुर की बर्बादी बनेगा वो। मैं हूँ भविष्यवाणी बताने वाला, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, बर्बाद। यह सुनकर ठाकुर का एक सिपाही उसे अपने साथ लेकर ठाकुर तक आ जाता है। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कौन बर्बाद कर देगा मुझे? मैं तुम्हारी पूरी भविष्यवाणी देख चुका हूँ। तुम्हारे 20 सालों की इकट्ठी की गई दौलत वो एक पल में उड़ा ले जाएगा। कौन है वो और कहाँ है? कुछ जानने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे आने वाला कल बताओ क्या होगा मेरे साथ। सिपाहियों, सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा लाकर यहाँ रख दो। कल तुम्हारे पास कोई आया होगा और उसने तुम्हें ऐसी झूठी मजबूरियाँ बताई होंगी जिससे तुमने भी उस पर यकीन कर लिया होगा, और कल वो फिर तुम्हारे पास आएगा और 70 लाख की रकम लेकर चला जाएगा। लेकिन ये भी बता दूं, तुम्हारी रकम वो कभी वापस नहीं करेगा क्योंकि वो एक फ्रॉडी है, और कल तुम उसको 70 लाख रुपए देकर अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेजना। अगर मैं झूठा हुआ तो मेरा सर कलम कर देना, मेरी बात सच होने पर ही मैं ये सोना लेकर जाऊंगा। और अगली सुबह ठाकुर ने ऐसा ही किया, राघव को 70 लाख रुपए देकर भेज दिया और अपने सिपाहियों को राघव की निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। क्या बेवकूफ बनाया है मैंने इस ठाकुर का, लगता है आज तक मैंने जितनी भी लूट की ये मेरी सबसे आसान लूट थी। तब सारे सिपाही बाहर निकल कर आते हैं और उसे घेर लेते हैं और उस पर वार करके उसे वहीं बेहोश कर देते हैं। सिपाही राघव की सारी सच्चाई अपने महाराज ठाकुर को बताते हैं। तब वहीं पर हीरा भी आ जाता है। तुमने जो कहा था वही हुआ, तुम्हारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब वो सोने के सिक्कों से भरे बक्से हीरा को देकर भेज देता है। काम हो गया है साथियों, इन सिक्कों की कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है, अब हमें यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। तब वो सभी वहाँ से वो सोने के सिक्के लेकर निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें ठाकुर और उसके सिपाही रोक लेते हैं। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था, मेरी एक बेटी भी है, मुझे उसके भविष्य के बारे में जानना है। क्या तुम्हारी बेटी भी है? हाँ बताता हूँ ना, उसका आने वाला कल संकट में है, कल ही उसे कोई मारने वाला है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ,
आज से 5 दिन पहले जब तुम खुफिया नदी के रास्ते से जंगल में आए थे और वहाँ सिपाहियों ने तुम्हें रोकने के लिए बमबारी की थी, उन सिपाहियों ने मुझे बता दिया कि कुछ लुटेरे जंगल में घुसे हैं और तुम मेरा बेवकूफ बना रहे थे। पकड़ लो इन सबको। और इस तरह से तुमने हमें पकड़कर यहाँ बंदी बना लिया था और आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। ठाकुर, अगर हमने 50 लाख रुपए आज सुल्तान तक नहीं पहुँचाए तो सुल्तान और उसके सिपाही हमारे बागेश्वर जंगल को तबाह कर देंगे। तुम बहुत बहादुर हो जो अपने जंगल को बचाने के लिए सरहदों पर गिरने वाले बमों से भी नहीं घबराए। मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हूँ। जाओ, ये 50 लाख रुपए मेरी तरफ से सुल्तान को दे देना। तब ठाकुर चीता हीरा को 50 लाख की रकम और वो 2 सोने से भरे सिक्कों को देकर खुशी खुशी से रिहा कर देता है और उस लुटेरे रघु को फांसी की सजा दी जाती है। इधर हीरा सुल्तान से किए वादे के मुताबिक उसके पैसे वापस लौटा देता है और अपने जंगल को उजड़ने से बचा लेता है। इस तरह हीरा ने होशियारी से अपने जंगल को फिर से आबाद कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।